हैं अगली खबर की ओर। ब्रजमंडल यात्रा नू जिले के तीनों प्राचीन शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेगी। पिछले वर्ष 31 जुलाई को इस ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी, जिसके डर से आज नूह बाजार बंद दिखाई दिया। तो हिंदू समाज के लोगों द्वारा बाजार में दुकानदारों से दुकानों को खोलने का आह्वान कर दुकानें खुलवाई गई। भाजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने कहा कि दुकानदारों से दुकान खोलने का आह्वान किया गया है और करीब एक घंटे के बाद मार्केट में सभी दुकानें खुल जाएंगी। संवाददाता राकेश वर्मा नुहमेवाद से। आज या जो यात्रा निकल रही है वो निकल रही है और वो सब लोग उसके अंदर में लगे हुए हैं। जहां तक दुकानों की बात है, अभी सुबह सुबह सब लोग सावन का जो पहला सोमवार है और मेले के रूप में इसको मना रहे हैं। हम सब लोगों ने अग्री किया सब लोग वहां जाएं, तो अभी वहां मंदिर पे सब लोग हैं और आप आकर के भी आप आधे घंटे के अंदर देखेंगे पूरा बाजार खुला हुआ मिलेगा। ठीक है, बाहर गाँव के देहात के लोग जो नहीं आए हैं वो बात अलग है, लेकिन दुकानें अपनी जो है सारे शहर के लोग सारे जो है वो व्यवस्था में भी कुछ लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन उनको सबको हिदायत दी गई कि अपनी अपनी दुकानें वो खोले और सब लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि दुकानें खुलनी शुरू भी हो गई है और कुछ खुल भी गई हैं दुकानें ना।